अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की सुबह आगाज़ हो चुका है, अल्लाह ताला आपका दिन अच्छा से समय गुजारे, आमीन। जो आज की डेली रूटीन है वो आपसे मैं शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। वो अभी मुर्गियों का दाना खोल रहे हैं और ये देखें मुर्गियाँ दाना खाने के लिए आ भी गई हैं, तो वो भी इनको दाना डालेंगे जैसे घर में डाला करते थे अपनी मुर्गियों को। अब इनको दाना डाले हैं, वो भी दाना खा लेंगी। ये देखें लगता है इनका मूड नहीं है दाना खाने का। और ये देखें कबूतरों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कैसे दाना खाने के लिए जाली के ऊपर चढ़े हुए थे, अभी खा रहे दाना मज़े से, खुश हो गए हैं, लगता है पानी पीना चाहते हैं। मैं अभी गया था उनका खाते के खाने के लिए पानी भरने के लिए, तो अभी पानी भर के देखे मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्योंकि वो कैन जो थी बोतल जो थी उसके ढक्कन उसके अंदर बोल था, तो इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। तो अभी वकार भाई भी आए हुए हैं, तो उनके साथ हम चलते हैं बाहर। वकार भाई भी अभी आ गए हैं, तो मैं और वकार भाई जा रहे हैं दुकान से दूध लेने के लिए, क्योंकि चाय बनानी है इसलिए दूध लेने के लिए जा रहे हैं। अभी शॉप पे पहुँच गए, तो हम यहाँ से अभी दूध लेते हैं, तो यहाँ से दूध लेके फिर घर चलते हैं और चाय बना के पीते हैं। वकार पे अभी दूध ले रहे हैं, अभी बेकरी से दूध और केक वगैरह ले लिए, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं और सुहेल जा रहे हैं जुमा नमाज पढ़ने, हम पहुँच गए हैं जामा मस्जिद, वहाँ कहते हैं जुम्मा की नमाज अदा, जुमा नमाज पढ़ ली, अब जा रहे हैं घर। आज की खास रूटीन में थी कि हम सारे दिन घर पे रहे, घर पे काफ़ी परेशानियां और टेंशन चल रही है, छोटे बड़े सब परेशान हैं, और इस परेशानी की वजह से हम कई बार व्लॉगिंग भी नहीं कर रहे हैं। सितारा भाई काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और बहुत टेंशन में हैं, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है, ना कुछ खाती है ना पीती है ना किसी से कोई इतना बात करती है, बस अकेले ही में रोती रहती है। और जो उनकी पिक्चर आपको आपने देखी है वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि लोग कहते हैं कि फिल्टर लगाया है ये और ये क्या हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत है। खुदारा आप लोग कई बार किसी बात को तो सच मान लें कि ये सच्चे हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ कि सितारा बाजी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह भी इंशाल्लाह उसे इस मुसीबत से निकालेगा, और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह मेरी सितारा बहन इस मुश्किल घड़ी से भी निकल जाएगी और आपको इंशाल्लाह फिर वही मुस्कराते हुए रास्ते हुए आपको व्लॉगिंग में दिखेगी इंशाल्लाह। और जब सितारा भाई का अच्छा वक्त है तो सब चैनल वाले उसके साथ होते थे शॉर्ट आउट लेने के लिए, जिन लोगों के चैनल सितारा बाजी की वजह से चल रहे हैं आज वही लोग सितारा बाजी के खिलाफ चैनल चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो कल भी मैं सितारा बाजी के साथ था और आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा, अच्छा वक्त इंशाल्लाह आएगा, अब बुरा वक्त है तो उसके साथ हूँ, अच्छे वक्त भी मैं इंशाल्लाह उसके साथ रहूँगा और बुरे वक्त भी मैं उसके साथ रहूँगा। आप लोगों से इल्तजा है कि आप लोग भी सितारा बाजी की दुआ करें, हम भी कर रहे हैं, हम भी उसके साथ। और साजिद भाई जो उनका बहुत ख्याल कर रहे हैं, सही सही रात जाते हैं कि अर्जुन को भी हमें ये रिश्तेदारी हमें भी कह रहे हैं आप भी इनका ख्याल रखें, वो भी उनके साथ ही रहते हैं सारा दिन सही रात, वो भी बहुत परेशान है। जाओ उन्होंने ये किया है जैसे आपने पिक्चर देखी तो कुछ और भी कर सकती है, इसलिए वो बहुत परेशान है, आपकी परेशानी दूर करें, आमीन। तो यहीं पे हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।